हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उदयन की ज्वेलरी कलेक्शन, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप दिखाओ उदयन को क्या क्या मिला हुआ है ज्वेलरी में। और वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया था वीडियो में, जो मैंने व्लॉग शेयर किए हुए थे ना उस टाइम पे, शादी के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया था, बट हाँ उतना डिटेल से नहीं दिखाया था। बट मुझे यही था कि हाँ चलो दिखा दिया, लेकिन इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे थे। इवन अभी भी मेरे वीडियोज में ना वो कॉमेंट्स आते रहते हैं कि आपने अभी तक उदयन की ज्वेलरी नहीं दिखाई, कि उसके यहाँ मामा लोग क्या क्या लेकर के आए हैं और किसने क्या क्या दिया हुआ है। तो मुझे लगा चलो फाइनली मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ चिटचैट टाइप का। और सच में तो बहुत दिन हो गया मैंने ऐसे टाइप का ना चिटचैट टाइप का वीडियो बनाया भी नहीं है। वैसे तो हम लोग ब्लॉग्स के थ्रू भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बट जब कुछ ऐसा पर्सनल टाइप का वीडियो बनाना होता है ना, तो उसमें सिर्फ बातें बातें रहती हैं, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं बस वही आप लोग के साथ शेयर करने वाली, दिखाने वाली हूँ कि उदयन को क्या क्या मिला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ममाअर्थ की लिपस्टिक के बारे में बता देती हूँ। ऐसी लिप कलर मिलना बहुत मुश्किल होता है जो आपकी स्किन टोन को मैच करे, सूट करे, और ऐसी लिपस्टिक मिलना और भी ज्यादा मुश्किल होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, आपके लिप्स को ड्राई ना करे। बट अब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ममाअर्थ के मॉइस्चर मैट लिपस्टिक के बारे में। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करती है। तो अभी आपको दिखाऊं, ये पूरे 9 शेड में आता है, तो जो भी शेड आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और ये मम्मा गिर गई एक, इतनी सारी है ना कि मेरे हाथ में भी नहीं आ रही, तो एक गिर गई। चलो मैं अभी आप लोग को दिखा दूंगी बाद में। और साथ ही आपको बताऊं, आप इनको ना डेली यूज कर सकते हो, क्योंकि ये केमिकल टॉक्सिन एंड पैराबेन फ्री है, तो आप इनको डेली यूज कर सकते हो। ये अभी मैं बैक कैमरे से आपको सारे शेड दिखा देती हूँ। तो इसमें न्यूड भी हैं, डार्क भी हैं, दोनों शेड आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी स्किन टोन से मैच करते हैं आप वो शेड को ले सकते हो। अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ। और इसके इंग्रेडिएंट हैं एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। एवोकाडो ऑयल लिप्स को मॉइस्चराइज करता है और विटामिन ई पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं सेकेंड लिपस्टिक न्यूड कलर मैंने चूज करी हुई है, तो एक मैं डार्क दिखा रही हूँ और एक न्यूड कलर। ये लिपस्टिक स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफ़र प्रूफ है, जो कि 12 घंटे तक का लॉन्ग स्टे देता है और साथ ही 8 घंटे तक लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है। अभी मैं एक एक करके अपने हैंड पे लगा करके आपको दिखाती हूँ, जितने भी डार्क शेड हैं, न्यूड शेड हैं, सबको लगा करके आपको दिखाऊंगी ना, तभी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे कलर हैं। जितने भी मैं कलर लगाती जा रही थी ना, मुझे यही लग रहा था कि अरे यार ये भी कलर बहुत अच्छा है, ये भी कलर बहुत अच्छा है। तो जितने भी 9 शेड है ना, आप किसी भी कलर को ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये वाला कम अच्छा है, सारे के सारे कलर अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। आप लोग ये लिपस्टिक बाय करना चाहते हो तो ये आपको Amazon, Nykaa और ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से जा करके इनको बाय कर सकते हो। और आप लोग को बता दूं, आप जब भी इनके कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करते हो ना, तो आपके ऑर्डर को इनके वेबसाइट पे एक नए लगाए गए ट्री के साथ लिंक कर दिया जाता है। इस तरह से इनका 1 मिलियन ट्री लगाने का एम है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और आपको बता दूं, ममाअर्थ जितनी प्लास्टिक यूज करता है उससे भी ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करता है। तो आपको इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इनको बाय कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड GWP2022 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी अब मैं उदयन की ज्वेलरी आप लोग को दिखाती हूँ। तो भैया लोग ना साईं ज्वेलर्स के यहाँ से लिए हुए थे, इसी में मैंने ना उसका सब कुछ डाल रखा है, तो जो भी अतर्रा के होंगे वो साईं ज्वेलर्स को जानते ही जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ना सब कुछ एक साथ ही मिक्स कर दिया है, सारा सामान उसका जितना है। तो अभी मुझे जो यहाँ से पायल बिछिया गई थी ना, वो भी मैंने इसी में डाल रखी है। मैंने खोल करके पता नहीं, ये नहीं है यार, ये तो उदयन की कमर का ही है, उसकी बुआ लेकर के आई थी। मेरा ये है पायल बिछिया, तो मैं अपना भी आप लोग को दिखा दूं, क्योंकि डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया हुआ था, बस हल्का सा थोड़े बहुत ही मैंने सूट कर लिया था, मुश्किल से 1 मिनट की क्लिप रही होगी। तो ये मेरी पायल है, बड़ी सुंदर लग रही है ना। वैसे पायल वायल पहनने में, बिछिया में, एक बार जो मैं डाल लेती हूँ ना, बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, इसको इग्नोर करिएगा। अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है ना, तो हटाया नहीं है।
और बिच्छी अभी ऐसे ही सिंपल, भाभी लोग जानती है ना कि मुझे ऐसी पतली पतली सिंपल टाइप की ही पहनना पसंद है, वो बहुत हैवी वाली मैं पहन नहीं पाती हूँ। ये उदयन की बुआ ने दिया है कमर का, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अभी ना थोड़ा सा और गर्मी आ जाए, फिर मैं एक दिन सोच रही हूँ ना उसको सब कुछ पहना करके ना फोटो खींचेंगे। वैसे तो बच्चों को दे देना होता है, बट वही होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे पहन वहन नहीं पाते, पहले छोटे रहते हैं फिर जब बड़े हो जाते हैं तब भी नहीं पहनते। तो इसमें ना मैंने उसकी दोनों चैन रखी हुई है, ये आपको दिखाऊं तो ये जो यहाँ से चैन गई हुई है आपको पास से दिखा दूं। और ये वाली जो चैन की डिजाइन है ना, ये हमारे अतर्रा में बहुत फेमस डिजाइन है, कहते नहीं ओल्ड इज गोल्ड, तो काफी पहले से ना ऐसी डिजाइन चल रही है, ऑलमोस्ट हर घर में ऐसी डिजाइन वाली एक चेन तो मिल जाएगी। और जो उदयन की बुआ लेकर के आई है, बहुत प्यारी ये चेन है, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तब पहनेगा। तो ये आपको दिखाऊं, ये भी ना ऐसे कुछ राउंड राउंड करके ऐसे ऐसे ना घूमती है, और जितना घूमती है ना उतना ज्यादा साइन करती है। तो ये दो चेन हो गई, और जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आपको। और ये भी बुआ का ही है, ये हाथों के। तो जब बच्चे थोड़ा सा चलने वलने लगते हैं ना, फिर जब उनको ये इस टाइप की चीजें पहनाई जाती हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे ना आवाज करता है तो फिर अच्छा भी लगता है। और दिखाऊं आपको, ये आई थिंक हर जगह ये चीज चलती होगी, ये हाय चंद्रमा ये सब जगह चलता होगा। तो आपको दिखाऊं यहां से गया हुआ था, तो सारा कुछ मिक्स है ना, तो कुछ एक एक तरफ से नहीं दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ से उदयन के मामा लेकर के गए थे हाय चंद्रमा, और ये उदयन की बड़ी वाली दादी ने हाय दी हुई है सोने की। तो अभी जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा गर्मी आएगा ना, फिर मैं जिसने भी जो भी दिया ना सबका मैं थोड़े थोड़े दिन उसको पहनाऊंगी। और ये यहां से गए हुए थे चूड़ा, सोने के हैं चूड़ा दो। तो ये सब चीजें ऐसी हैं ना, सच बताऊं बच्चे ज्यादा पहनते वहनते नहीं, बट होता नहीं है, कई बारी फॉर्मेलिटी करना पड़ता है ना हर चीज में, तो वही वाली चीज हो जाती है। वरना कहां, मैंने तो नहीं ज्यादा कोई ऐसे बच्चे देखे जो बहुत सारा कुछ ऐसे टाइप का पहन करके घूमते हों। मेन चीज क्या होता है ना कि बाहर आप भेज भी नहीं सकते बच्चों को इतना पहना करके, उनको तो बताना भी नहीं कि किसने हमारा उतारा किसने नहीं उतारा। तो ये यहाँ से कमर गई है, तो हमारे साइड ना अभी ऐसे टाइप की ही चलती है कमर, बच्चों की जो कमर बंद होती है ना, तो ये कुछ इस तरीके से। और ये इतनी हैवी है कि मुझे नहीं लगता कि वो पहनेगा ही, क्योंकि अगर पहना भी दूंगी ना तो वो इरिटेट होके रोने ही लगेगा। बट थोड़ा बहुत कभी कभार पहना देंगे, और एक मेमोरी में भी हो जाता है ना कि हाँ। और ये ना दोनों तरफ के हैं, इनको आई थिंक छागल बोलते हैं पैर के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, छागल नहीं सॉरी अनोखा बोलते हैं आई थिंक, हाँ अनोखा बोलते हैं। तो ये है दोनों तरफ के, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा किधर का है। ये आई थिंक यहाँ वाला है और ये बुआ वाला, दोनों सेम ही है, तो इसी वजह से ना मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कितना ज्यादा बज रहा है। तो अभी जब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा ना तब फिर मैं इनको पहनाऊंगी, और जब वो चलेगा ना तो खूब सारी ना घुंघरुओं की ऐसे आवाज आएगी, तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ दिन अपना बुआ वाला अनोखा पहन लेगा, कुछ दिन मामा मामी वाला पहन लेगा, जो भी लेकर के आए ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा पहन लेगा। तो यही थी उदयन की ज्वेलरी कलेक्शन, मैंने वैसे थोड़ा बहुत दिखा दिया था, बट हाँ उतना डिटेल में मैंने नहीं दिखाया हुआ था। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप उदयन की जो ज्वेलरी कलेक्शन, क्या मैं बोल रही हूँ यार, उदयन की ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए, आप दिखा नहीं रही हो। तो बस आज मैंने दिखा दिया, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और अभी अब मैं सबको अंदर रख देती हूँ, फिलहाल अभी किसी काम का नहीं है ये सब, तो जब मैं पहनाऊंगी ना अगर होगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसको कैसा लग रहा है पहनने के बाद। तो चलो अभी हम मैं अपना वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, काफी बड़ा, काफी आई थिंक 9-10 मिनट का हो गया होगा, जितना भी हो गया होगा आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, चिट चैट टाइप का वीडियो पसंद आया हो, तो एक
लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग को आज मैंने डिटेल से दिखा दिया होगा, अभी आप अगली बार से आप लोग शिकायत ना करो कि अभी तक आपने दिखाया नहीं है, तो फिर मैंने बातों को घुमा दिया, तो चलो ठीक है, बाय बाय।